है। ऐसा दस्तगीर जहां, ऐसा दस्तगीर जहां जो शरीयत में भी बेमिसाल था और तरीकत में भी बेमिसाल था, ऐसा पीर जो 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े। कहो सुभान अल्लाह। ये हमारे साथी कहते हैं ना, तेरा पीर मेरा पीर दस्तगीर दस्तगीर। क्यों ना दस्तगीर हो, क्यों ना दस्तगीर हो कि शिरक नहीं किया, शिरक करने वालों को शिरक से बचा जा, मुशरिकीन को शिरक से बचाया, बेनमाजियों को नमाजी बनाया, बद किरदारों को सवाले बनाया, जो रोजे के तारिक थे वो रोजेदार बन गए, जो जकात के तारिक थे वो जकात देने वाले बन गए, जो हज पे न जा सकते और हज से तारिक थे वो हाजी बन गए, और जो बहनों का हकूक खाते थे वो हक देने वाले बन गए, जो हमसायों का हकूक गसब करते थे उनको हिदायत फरमाई। ऐसा हमारा शायख अब्दुल कादिर जिलानी, ऐसा हमारा हादी और रहनुमा है कि वो चाहते हैं कि मेरा हर मुरीद कामिल हो, मेरा हर मुरीद कामिल हो। खुदा की कसम है, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, वो सुबह तहज्जुद के वक्त उठ के पीरानी पीर की बारगाह में इस्तगासा किया करते थे, 11 कदम बगदाद की तरफ उठा के आपके हुजूर में दरखास्त करते, अभी हटते नहीं थे कि अल्लाह ताला उनकी हाजत पूरी कर दिया कर। 40 बरस इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी और फिर 12 साल खाया पिया नहीं, 12 साल पिया खाया नहीं, 12 साल ऐसे आए न कुछ खाया न कुछ पिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, सलमा शैतया अब्दुल कादिर, अब तुम मांग क्या मांगता है। ऐ मेरे महबूब के महबूब, गौसे पाक मुहम्मदी रंग में रंगे हुए थे। किस रंग में, बोलिए बोलिए। आज एक हमारे खतीब ने फरमाया है कि कोई सैयदना इब्राहिम के कदम पे होता है, कोई हजरत कलीम के कदम पे होता है, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम पे होता है, और मुख्तलिफ अंबिया के कदमों पे होते हैं औलियाउल्लाह, मगर पीराने पीर मुहम्मदी रंग में रंगे हुए थे। किस रंग में, बोलिए बोलिए। यानी इंतहाई खलीक, मुशफिक, मोहसिन इंसान से ना नफरत करने वाले इंसान से, बोलिए बोलिए, किसी बुरे से नफरत ना करने वाले, हर एक को सीने से लगाने वाले को अल्लाह ने फरमाया कि सलमा शैतया अब्दुल कादिर, अब मांग तू क्या मांगता है। मेरे गौस ने फरमाया, अल्लाह अगर तू अता करता है तो मुझे ऐसी बेनियादी अता कर दे कि अब्दुल कादिर कहने वाला जहन्नम ना जाए। आपने फरमाया, जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती। किसने कहा, सरकार गौसे सकलैन, जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती। फिर कही, जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, जिसने आगे उसको देखा वो भी जन्नती, और फरमाया जिसने उसको देखा वो भी जन्नती। यानी पीराने पीर ईमान हो, शिर्क न करता हो। मैंने क्या कहा, यानी बदतरीन अमल है शिर्क, अल्लाह बचाए मुझे और आपको, अल्लाह बचाए।
मुशरिक न हो, बेईमान न हो, दीन का तारिक न हो, उसके पेट में हराम न हो और गासिब न हो, किसी का माल और जेदार उसने गसब न की हो, मुसलमान हो, मोमिन हो और गौसे पाक को देखा हो, दाखिल अल जन्ना, जन्नत में दाखिल होगा। और सुनो, पीराने पीर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ए मेरे मुरीद, अगर तू जय्यद नहीं है तो परवाह नहीं, मैं अब्दुल कादिर तो जय्यद हूं। और सुनिए, आप फरमाते हैं मेरे मुरीद मुझे अल्लाह की कसम है। क्या फरमाते हैं? मेरे मुरीद मुझे कसम उठाते हैं। वो इन कशफत औरत मुरीदी बिल मशरिक व अना बिल मगरिब लसतरतुहा, ए मेरे मुरीद मुझे अल्लाह की कसम है कि अगर तू मशरिक में है और मैं मगरिब में हूं, अगर तेरा सतर नंगा होने लगे तो मैं पहुंच के तेरा सतर कर देता हूं। ऐसा था। हम किसके गुलाम हैं? बोलिए। आज आपने वादा करना है कि हम गौस के गुलाम हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। वादा है, पक्का वादा है। गौस का गुलाम हो और बेनमाजी हो, ये सही नहीं है। नमाज पढ़नी है, ठीक है, रोजे, जकात देनी है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले मैं दौरे पे था तो बिलाल हबशी की कब्र पे बैठ के मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह जो मेरा मुरीद है वो भूखा न सोए और नंगा ना फिरे। बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल। और फिर मैंने शौकत जी को बताया, मैं उस अजीम खातून की बारगाह में गया जो इस्लाम की इतनी बड़ी कमांडर थी, कमांडर इन चीफ थी, अली की बेटी थी, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मैंने जाके अपनी झोली उनकी बारगाह में फैला दी। मैंने कहा, बीबी साहबा, मैं अपने मुरीदों के लिए आपसे खैर मांग रहा हूं। खुदा की कसम है, ग्यारहवीं शरीफ का मजमा है, आपके लिए मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, जिसने सिदरा शरीफ की गुलामी इख्तियार की है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी इज्जत दे। दुआ मैंने मांगी। और मैं आपको क्या बताऊं, बाज लोग दूसरे मुझे देख रहे थे कि आले सुन्नत हो के मैंने बोला, हम तो खैरात इसी दरवाजे की खाते हैं, हम तो खाते आले मोहम्मद का सदका है, हम तो खानदान रसूल की खैरात खाते हैं। खुदा की कसम है, जब उस आस्थानों पे मैं गया, सैयदा रुकैया के हुजूर में, सैयदा सकीना के हुजूर में, सैयदा जैनब की बारगाह में, सैयदा सुगरा सगीर की बारगाह में, और शुहदाए करबला के जहां सर मुबारक दफन है, और अब्दुल्ला इब्न जाफिर तैयार हैं, क्या बताऊं आपको, दमिश्क का शहर था, मेरी जुबान में बस आप लोग ही शामिल थे। मैं जहां जाता भीख आपके लिए मांगता। वो मुझे शेर याद आ रहा है कि वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। पिराने पीर दस्तगीर का दरवाजा इसलिए अल्लाह ने हमें नसीब किया कि वहां किसी साइल को मार पीट के बगाया नहीं जाता, बल्कि सीने से लगाया जाता। और फिर मुरीद मुरीद हो, पीर एक हादी है, क्या है, रहनुमा है, रास्ता बताने वाला है, और मुरीद हिदायत लेने वाला है। मुरीद
लेकिन मुरीद कौन है? मुरीद वो है जो यक दरगीर मोहकम गीर। जी क्या कहा मैंने? यक दरगीर मोहकम गीर। ये नहीं कि नए नए यार बनाता फिरे, यार एक कोई अच्छा होगा। फिर हमारा यार जो है उसकी तो मिसाल ही दुनिया में दूरी है।